subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस क्या होता है? एक अनदर ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल। मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे इसका और जो सा है डिफरेंट कैटेगरी से इसको एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। गोल्जी अपरेटस बेसिकली, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस को जो सा है वो 3 नेम से इंडिकेशन मिली है, यानी 3 नामों से जो सा है वो गोल्जी अपरेटस को एक्सप्लेन किया जाता है। सबसे पहले उसे हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेकेंड जो नेम है गोल्जी अपरेटस का, दैट इज़ कॉल्ड गोल्जी बॉडीज। और थर्ड नेम जो है वो गोल्जी अपरेटस ही है, गोल्जी अपरेटस। यानी ये 3 नाम जो सा है बेसिकली यूज़ होते हैं टू एक्सप्लेन द गोल्जी अपरेटस। अब गोल्जी अपरेटस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोल्जी अपरेटस बेसिकली किसने डिस्कवर किया था। गोल्जी अपरेटस जो सा है वो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने। साइंटिस्ट या डिस्कवर लिख लेते हैं कि किसने जो सा है वो डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को, तो उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी उसने अपने नाम से ही जो सा है वो इस ऑर्गेनल का नाम रख लिया, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था गोल्जी अपरेटस को, ठीक है। तो उसने गोल्जी अपरेटस नाम इसीलिए रख दिया क्योंकि उसके नाम से इंडिकेशन थी, ठीक है। गोल्जी जो सा है उसका अपना नाम था, इसलिए उसने उसका नाम ऑर्गेनल का नाम भी जो सा है वो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स रख लिया। अब जो सा है हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि गोल्जी अपरेटस का जो सा है वो स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मैनी फ्लैटेंड सैग, ठीक है। मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सैग। अब फ्लैटन क्या होता है? फ्लैटन का मतलब होता है प्लेन। प्लेन का मतलब जैसे घर के स्लीपर का जो सा सोल होता है उसी तरह का जो सा है वो फ्लैटन शेप गोल्जी अपरेटस का होता है, ठीक है। अब फ्लैटन सैक जो सा है बनेंगे गोल्जी अपरेटस में, उसका नाम क्या है, ठीक है। उसको बेसिकली कहते क्या है जो इतने ज़्यादा फ्लैटन सैक बनेंगे, उसे हम कहते हैं सिस्टरनाए। टप ऑफ फ्लैटन सैक इज कॉल्ड सिस्टरनाए। यानी अगर एक जो सा है वो फ्लैटेंड सैग बना है इस तरह का, तो इसे हम कहते हैं सिस्टरनाए। यानी ये सिंगुलर सैग अगर बना है तो इसे हम कहते हैं सिस्टरनाए, ठीक है। अब सिस्टरनाए जो सा है वो ज़्यादा सारे सिस्टरनाए जो सा हैं वो आपस में मिलेंगे और जो सा है वो पैक टू ईच अदर होंगे, फिर जो सा है वो क्या बन जाएगा, गोल्जी अपरेटस। जैसे कि एक स्ट्रक्चर है सेल, सेल के अंदर जो सा है वो इतने ज़्यादा सिस्टरनाए पड़े हैं, ठीक है। 3 से 4 या उससे भी ज़्यादा जो सा है वो सिस्टरनाए प्रेजेंट हैं इनटू द सेल, लेकिन इसके साथ जो सा है वो वेसिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिस्टरनाए के साथ जो सा है वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, इस तरह जो सा है ये कंप्लीट सेट बन जाता है जिसे हम कहते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स। गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडीज बेसिकली क्या था कि जो हमने सिस्टरनाए पढ़ा है वो और प्लस वेसिकल जो से हैं मिलकर क्या बनाते हैं, गोल्जी कम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स के। गोल्जी कम्प्लेक्स का बेसिकली फंक्शन क्या है?
फंक्शन पढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो गोल्जी बॉडीज बनी हैं वो किस तरह बनी हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि वेसिकल प्लस जोन सा है सिस्टर नाए, जो हमने सिस्टर नाए इंटरकनेक्टेड सैक बनाए थे उसे हमने सिस्टर नाए कहा। ठीक है, अब ये सिस्टर नाए आपस में जोन सा है वो किस तरह पैक होंगी, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, यानी जोन सा एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होंगी। ठीक है, इंटर कनेक्ट टू ईच अदर, ठीक है, इंटरकनेक्ट विद ईच अदर, इस तरह जोन सा है इनकी पैकिंग होगी। अब वेसिकल है, वेसिकल के साथ जोन सा है वो सिस्टर नाइव मिला और उसके बाद क्या बन गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी सेट बन गया। ठीक है, अब वेसिकल क्या था, इस तरह का जोन सा है वो सिस्टर नाइव का स्ट्रक्चर था और इसके साथ जोन सा है वेसिकल प्रेजेंट थे इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम मेन जोन सा है बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स। बेसिकली गोल्जी ऑपरेटर्स का ये काम है कि इसने जोन सा है वो मटेरियल की पैकिंग कर दी है। पैकिंग का मतलब ये कि उसने जोन सा है उस मटेरियल के अराउंड मेम्ब्रेन फॉर्म करनी है। अब कौन सा मटेरियल, मटेरियल वो मटेरियल जो कि हमारे सेल में न्यूली मेड हो रहा है। ठीक है, जो जो मटेरियल जोन सा है हमारे सेल में नया बनता है उसे पैकिंग कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब पैकिंग किस चीज़ की होती है, प्रोटीन्स की होती है। ठीक है, प्रोटीन्स अब कौन प्रोड्यूस करता है, राइबोसोम जोन सा है प्रोटीन सिंथेसिस कराता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी ऑपरेटर्स में जोन सा है मेन फोकस यही होता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन प्रोड्यूस करा रहा है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप्स हैं, उसमें से कौन सा जोन सा है, कौन सी टाइप जोन सा है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जोन सा है वो जो प्रोटीन प्रोड्यूस करा रही है इनटू द सेल, तो उसकी पैकिंग, उस प्रोटीन की पैकिंग कौन करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स। ठीक है, पैकिंग ऑफ थिंग्स दैट आर न्यूली मेड इनटू द सेल, इनटू द सेल एग्जाम्पल में आ जाता है प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन प्रोड्यूस कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम के ऊपर भी जोन सा है मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक जोन सा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और डिफरेंट ऑर्गेनल जैसे राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनके बारे में भी जोन सा है वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पैकिंग ऑफ द थिंग्स दैट आर न्यूली मेड इनटू द सेल, उसकी पैकिंग कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया थिंग्स कौन सी प्रोड्यूस हो रही हैं, वो प्रोटीन प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जब पैकिंग हो जाती है ना, उसके बाद जो है वो जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उस मॉलिक्यूल की या उस थिंग की, तो वो जोन सा है वो इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द सेल चले जाता है और उसके बाद यूज़ हो जाती है। कैसे, कि ये है सेल, सेल के अंदर पड़ा हुआ है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ ही जोन सा है वेसिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जोन सा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जोन सा है प्रोड्यूस करा दी प्रोटीन। अब इसको जोन सा है पैक करना है। अब पैक क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जोन सा है वो पैकिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें जोन सा है वो डिस्कार्ड हो जाती हैं, यानी यूज़ेबल नहीं रहती हैं या वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए जोन सा है ज़रूरी है कि उस चीज़ की जोन सा है वो पैकिंग कर ली जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीज़ क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन बन तो गई, लेकिन उसको जोन सा है वो महफूज किसने रखना है, पैक किसने रखना है, तो वो जोन सा है गोल्जी ऑपरेटर्स जोन सा है उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा,
मेम्ब्रेन फॉर्म करेगा, जो हम पैकिंग के ही जा रहे हैं उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन को हम कह रहे हैं पैकिंग, ठीक है। पैकिंग कर देगा उस प्रोटीन की, ताकि जौन सा है वो प्रोटीन सेफ रहे, ठीक है। अब जौन सा है, जब भी जौन सा है इनसाइड ऑफ द सेल या आउटसाइड ऑफ द सेल प्रोटीन की जौन सी है वो ज़रूरत होगी, तो फिर जौन सा है ये आउटसाइड ऑफ द सेल यूज़ हो जाएगी, या जौन सा है इनसाइड ऑफ द सेल अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो तब वहाँ जौन सा है ये यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ये था अबाउट द गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस। बेसिकली गोल्जी अपरेटस क्या होता है, आज हमने मेन ये पढ़ा। अगर आपने जौन सा है वो राइबोसोम या जौन सा है एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जौन सा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। और आज की वीडियो से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो काइंडली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू माई बेस्ट। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माय वीडियो। एनी सजेशन प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डू माय बेस्ट। एनी सजेशन प्लीज आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आई विल डू माय बेस्ट। थैंक यू।